मिथुन और मैं कायन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि पहले वाले आप लोग लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि कैसे हम अजमेरा फैशन में आए थे और एक बिजनेस के बारे में हम सर से पूछे थे। अजय सर जो है यहाँ का ओनर है, तो वो कैसे कैसे बताए थे कि आप बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में चलिए हम उनसे बात करते हैं कि कैसे कम पैसे में मतलब कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपना खुद का, और तो कैसे यहाँ इतना दूर से आप कपड़े मंगवा सकते हो, क्या क्या मतलब कैसे और आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हो, ये चीज़ हम जानेंगे सर से अभी, अजय सर से जो अंदर है। तो चलिए आप उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। तो जैसे कि सर आप पिछले वीडियो में आपने बताए थे कि बिजनेस करना चाहिए और खुद का करना चाहिए बिजनेस, अब तो हम जैसे कि हमारे ऑडियंस है तो काफी ऑडियंस के मन में एक डाउट होगा था कि कौन सा बिजनेस करें कैसे करें, तो आप कुछ बताएंगे कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा। देखिए करना तो आपको वो चाहिए जो आपकी इच्छा करती हो, जो भी आपका मन करता हो, पर ये तयशुदा बात है कि कपड़े का एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम हमेशा करने के लिए कहते हैं सबको, वो एक इजी बिजनेस है। सबसे इजी बिजनेस होने का कारण उसका एक ये है कि कपड़े का बिजनेस एक लेडीज जो घर पे साग भाजी बनाती है ना वो कर सकती है, खासकर ये जो लेडीज जो कपड़े पहनती हैं, जो साड़ी कुर्ती लेगिंग्स पेटीकोट ब्लाउज फूल ये सब जो कपड़े होते हैं ना सर, ये सब का बिजनेस क्योंकि वो खुद यूज करती है, तो इसके लिए तो हम हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं ये बिजनेस करने के लिए। आज लगभग 60,000 से 70,000 लोग उससे भी ज्यादा ही होंगे जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के ये बिजनेस स्टार्ट किया है। उनमें से 20-30% लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने ये बिजनेस हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया, घर से स्टार्ट किया, और उसमें से 100 से 150 लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने घर से तो स्टार्ट किया था, आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है, उनके घर का कोई मेंबर भी उसके साथ इन्वॉल्व है उनके साथ इस बिजनेस के अंदर। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, आपको करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर उसमें आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, वो आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से आप कपड़े का बिजनेस हमसे जुड़कर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और हमारे ऑडियंस को एक मन में और डाउट होता होगा कि इतना दूर से कैसे वहाँ पे जो यहाँ से कपड़ा है वो कैसे ले जाया जा सकता है, या फिर कोई आए तो कैसे होगा, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते। देखिए दूरी तो आजकल कहीं की कुछ बची ही नहीं है, आदमी चांद पे पहुंच गया है, सूरत तो हिंदुस्तान में ही है सर, पृथ्वी पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मन में ये डर रखिए मत कि किस तरीके से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। गुजरात हिंदुस्तान का सबसे शांत प्रदेश, गुजरात में भी सूरत पूरे गुजरात का सबसे अच्छा प्रदेश, सूरत में भी रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट कोई ज्यादा दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, एयरपोर्ट से अगर आप बात करें तो मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी बची नहीं है। इसके बावजूद भी आप अगर ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, वहां बैठे कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे यहाँ से एक नंबर पे हाई लिख के भेजिए, आप जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे उस पे हाई लिख के भेजिए, हमारी टीम आपको सामने से संपर्क करेगी, वो आपको बताएगी कि किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां से यहाँ आ सकते हैं, वो सब चीजें भी गाइड करेगी। जी चलिए, और एक डाउट होता होगा कि जैसे कि हम बिजनेस कर ले ठीक है, लेकिन क्या क्या रखे, क्या बेचेंगे, कैसे बेचेंगे उस चीज को, और मतलब कि कैसे। देखिए ऐसा है कि ये क्या रखें वाली बात डिपेंड करती है कि आप किस रूप में बिजनेस को करना चाहते हैं। एक महिला है और वो अगर 20 से 25 हजार रुपए लगाकर घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको फिर ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसको कुछ एक आइटम ही, एक या दो आइटम, जैसे प्रिंटेड साड़ी का कलेक्शन रख लिया और उसके साथ पेटीकोट रख लिया, या फिर डाइड साड़ी का कलेक्शन रख लिया, वर्क एम्ब्रॉयडरी साड़ी का, और उसके साथ कोई एक चीज और रख ली, क्योंकि 25-30 हजार में ज्यादा चीजें सब मिला के, हमारे यहाँ तो सब चीज मिलती है, साड़ी कुर्ती लेगिंग्स पेटीकोट ब्लाउज होल मेंस वियर वुमेन्स वियर, लहंगा भी मिलता है, सूट भी मिलता है, ड्रेस मटेरियल भी मिलता है, पेंट शर्ट भी मिलते हैं,
रेडीमेड पैंट शर्ट भी मिलते हैं, पैंट शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं, टॉप्स भी मिलते हैं, बॉटम्स भी मिलते हैं, अंडरगार्मेंट्स भी मिलते हैं, सभी चीजें मिलेगी। अब अगर 25-30 हजार रुपए कोई लगा के बिजनेस करना चाहता है, वो बोलता है कि मेरे को सब चीजें दे दो, एक 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 सेट करके हम सारी देंगे, तो उसके 25 हजार काम पूरे हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, और वो अपने कस्टमर को आगे सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप छोटी अमाउंट लगा के बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक या दो आइटम पे फोकस करके बिजनेस को स्टार्ट करें। अगर कोई बड़ा मॉल वगैरह आपको बनाने की इच्छा है, बड़े रूप में आपको काम करने की इच्छा है, तो अनलिमिटेड अमाउंट लगा के भी आप काम कर सकते हैं सर, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि कपड़ा ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट जब तक इंसान धरती के ऊपर है तब तक बनी रहने वाली है, कोई नहीं रोक सकता है सर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हम बाजार में कहीं गए हैं, कोई हमें बोल दे आपके ये अंगूठी उतार दीजिए, आपके ये घड़ी उतार दीजिए, आपके ये सब निकाल दीजिए, सब आप दे देंगे उसको, लेकिन कपड़े उतार के बोलेंगे तो कपड़े उतार के नहीं देगा। तो सबसे एसेंशियल कोई चीज है तो यही है, शरीर जब तक है तब तक कपड़ों की जरूरत आपको पड़ेगी सर। तो ऐसे रिक्वायरमेंट वाले आइटम के लिए आप बिजनेस करते हैं, ये चांसेस जो है ना बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं किसी और बिजनेस की तुलना में। बिल्कुल जी। तो सर जैसे कि काफी लोगों के मन में एक चीज और डाउट होता है कि हम कोई चीज का बिजनेस करें तो उसमें मार्जिन कितना रखें और कैसे मतलब कि अपने डील को पूरा करें, कैसे डील कर सकते हैं, तो नए लोगों के लिए ये काफी मुश्किल लग रहा होगा। बराबर, ये चीज आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए नफे की अगर बात करें तो एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है ना, वो हमारे कपड़े के अंदर 20-25% 30% तक मुनाफा रख के कपड़ा बेचती है सर। घर पे बिना कोई खर्चा किए ज्यादा 20-25-30% अगर आप मुनाफा रखती है तो बहुत मुनाफा है, कम नहीं है। और कोई बड़े शोरूम की अगर बात करें आप, बड़ा शोरूम आपने बना रखा है तो वहाँ पे 100% तक एड करके हमारा कपड़ा बिक जाता है सर। वो भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, डिपेंड करता है आपके जो आइटम्स आप क्या ले जा रहे हैं, जैसे लहंगा है, किड्स वियर है, ये सब आइटम के अंदर जो है कई गुना तक मार्जिन रखा जा सकता है। 100% के अलावा 200%, 300%, 400% तक मार्जिन रख सकते हैं। जो बेचने की आपने बात करी कि किस तरीके से सेटअप को अपना कर सकते हैं, तो उसके लिए सर आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप घर पे भी ले जाके बेच सकते हैं। आजू बाजू अपने जो रिलेशंस वाले हैं, जो आपकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को इन्फॉर्म करके कि मैं डायरेक्ट सूरत से एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके आई हूँ या आया हूँ, और आप आइए और कलेक्शन देखिए, और देखिए ले जाइए। उस तरीके से बेच सकते हैं, फेसबुक पे बेच सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बेच सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बेच सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उसका भी NOC सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को वहाँ बेच सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हम प्रोवाइड करते हैं साथ में, आप कोई आइटम हमारे यहाँ से खरीद के ले जाते हैं तो उसका सॉफ्ट कॉपी जो फोटो होती है वो भी हम आपको मेल करते हैं, उसको भी आप अपलोड करके ये बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर एक चीज की सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि अभी हम ही आ रहे थे तो हमें आपके यहाँ आना था, तो ऑटो वाले कहीं और लेके चले गए। मैंने बोला कि हमें अजमेरा फैशन जाना, वो कह रहा है कि ये भी वही है, यहाँ पहले देख लो। नहीं, हमें वहाँ जाना है, कह रहा है वहाँ भी ले चले गए, पहले यहाँ देखो। तो ये इसका क्या होता है कि उन लोगों का प्रॉफिट होता है उधर से ऑटो वाले को, है ना, तो वो इसलिए अपने वाले वहाँ ले गए, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ आएंगे उनके मन में भी डाउट होगा, डर होगा कि हम मतलब कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, है ना। जी जी जी, कोई दिक्कत ना हो, और कैसे यहाँ तक पहुँच पाए, और ये सब बताइए थोड़ा सा। देखिए आप कोई मंदिर में जाते हैं या कोई गुरुद्वारे पे जाते हैं या कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे वो पंडित जी लोग होते हैं, बुलाइए मैं पूजा करवाता हूँ, आइए मैं पूजा करवाता हूँ, आइए मैं पूजा करवाता हूँ, उनकी दक्षिणा के लिए वो सब करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक मंदिर है सर, यहाँ भी बाहर पंडित लोग हैं बहुत सारे, तो आपको उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो आपके पैसे का ख्याल नहीं रखते हैं सर। उनका काम है सिर्फ आपको ले जाके वहाँ बैठा देना, पैसा निकलवा देना, उनका 10% फिक्स हो गया। हमारे यहाँ वो सब लोगों की एंट्री नहीं है सर, हम लोग किसी को भी कोई दलाल
हम तभी तो नहीं तो वो ऑटो वाला अगर जो मुझे वहाँ ले गया वो यहाँ भी ला सकता था, यहाँ भी ला सकता था लेकिन यहाँ नहीं वहाँ ले गया, वहाँ ले गया। कह रहे ये भी वही वहाँ यहाँ 10% मिलने वाला है, 1,00,000 रुपया वहाँ देंगे तो उसका 10,000 रुपया। यहाँ 10% एक मैन्युफैक्चरर नहीं कमाता है, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है ना उसकी 10% कमाई नहीं होती है। आज हम 10% जोड़ के चलते हैं तो साल के अंत में हमारे हाथ में 2-3% 4% आता है, इतना ओवरहेड एक्सपेंसेस लेके चलते हैं। बिल्कुल, तो जब मैं ही 2-3% कमाऊंगा तो मैं 10% दलाल को कहां से दे दूंगा? बिल्कुल, तो उन लोगों से थोड़ा अवेयर रहे, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहे। आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, बिल्कुल जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वहाँ नहीं जाएंगे। आपने उसको मना किया कि नहीं वहाँ नहीं देखना है, मना किया मुझे नहीं देखना, फिर यहाँ आ गए तो भाई तू ले चलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो दूसरे के साथ जाऊंगा। तो तू ये सब मत कर, तो ये सब चीजों से आप थोड़ा अवेयर रहें। आपने जिसका भी वीडियो देखा है, जिसको भी देख के आपको कुछ करने की मन में तमन्ना जागी है, चाहे मेरा फैशन हो या कोई और हो, आप सीधे वहां पहुंचिए, वहां चले जाइए, वहां आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ सही है, जेन्युइन आदमी है, इससे काम करना चाहिए तो काम कीजिए। बाकी किसी बिचौलिए या किसी दलाल या किसी ऑटो वाले या इन सब की बातों में आप ना आए। थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, माइंड को शांत रखें और सोच समझ के कोई भी, जहां पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, आपका पैसा कहीं भी ऐसी जगह नहीं चला जाना चाहिए जहां से वो आपका पैसा डूब जाए, ये चीज का आप खास ख्याल रखें। तो जैसे सर आप बताए कि महिलाएं कर सकती है, तो क्या इस बिजनेस को पुरुष नहीं कर सकते? ये बताइए। नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी पुरुष ही हूँ, ये बिजनेस कर रहा हूँ। आप बहुत सारे पुरुष, वो एक्चुअली महिलाओं को हम इसलिए बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से गद्दी संभाले हैं 2014 से, गुजरात के सीएम थे वो पहले, इनके नीति नियम और सिद्धांत को फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, मैं इनके नीति नियमों को वो करके चलता हूँ कि हाँ जो भी तरीके से ये काम कर रहे हैं वो बहुत सही है। तो उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण का नारा दिया था ना, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। हम ये मानते हैं, जैसा कि हमारे सरकार मानती है, कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश की जीडीपी आगे नहीं बढ़ेगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम भी उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारे देश की महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उन महिलाओं को प्रेरित करने के लिए हम बार बार महिलाओं का नाम लेते हैं। बिजनेस करने की बात है तो कोई भी कर सकता है सर, एक पुरुष कर सकता है, एक स्टूडेंट कर सकता है, एक रिटायर्ड पर्सन कर सकता है, कोई मिलिट्री से रिटायर्ड है वो कर सकता है। जैसे कि कोई नौकरी खोज रहा है या कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी ये बिजनेस कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? कोई नौकरी कर रहा है, मैं कहता हूं आप अपनी नौकरी छोड़िए मत, नौकरी आप करते रहिए। देखिए, नौकरी करने से जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है, अगर बदलेगी तो आपके घर की सब्जी बदल जाएगी, आज आलू की बनी है, कल भिंडी की, परसों तुरई की, परसों लौकी की, उसके बाद लौकी की। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा समय होता है, आपकी घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके घर में रिटायर्ड आपके फादर है, आप उनको छोटे से रूप में घर से शुरू करवा दीजिए उस बिजनेस को, वो संभालेंगे। एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास बनता है उसको आप थोड़ा सा उनके साथ टाइम दीजिए, 6 महीने आप इस बिजनेस को करवा के देखिए, फिर आपको लगता है कि भाई यार जो मैं नौकरी में इतना टाइम उधर वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं फुल टाइम इस अपने बिजनेस को देता हूँ तो मैं उससे कहीं ज्यादा कमाई कर लूंगा, तो आप फुल टाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब आपको लगे तब, जब आपको लगे तब, अभी नौकरी मत छोड़िए। तो अगर ऐसा लगता है तो आप उस बिजनेस को आप उनसे करवाइए, फिर आप जब आपको लगे कि हाँ सही है तब आप इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। तो कोई भी जो भी बिजनेस करना चाहता है, छोटे रूप में बड़े रूप में, वो इस बिजनेस को कर सकता है। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां पे आपको कपड़े की हर वेरायटी मिलेगी, साड़ी, कुर्ती, लेगी, पेटीकोट, ब्लाउज, फुल मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स वियर, एवरीथिंग, हैंडलूम आइटम, कर्टन्स, पर्दे जो आते हैं वो, बेडशीट, टॉवल, सभी चीजें आपको एक छत के नीचे मिलने वाली है।
और अजमेरा फैशन सबसे बड़ी चीज एक ये है कि वो एक रिटेलर को सपोर्ट करता है। सूरत में एक रिटेलर को कपड़ा कोई देता नहीं है सर, क्योंकि डीलर और होलसेलर उनको देने नहीं देते हैं। वो कहते हैं जब हमारे गांव के रिटेलर को आप ही कपड़ा दे दोगे तो मैं किसको बेचने जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो देने नहीं देते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी है ये कि अगर कोई रिटेलर सूरत आके नया बिजनेस करना चाहता है या ऑलरेडी रिटेलर है वो सूरत आके कपड़ा खरीदना चाहता है तो अजमेरा फैशन उनको उसी रेट में कपड़ा देगी जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। अगर डीलर बंद करे तो कर दे, होलसेलर बंद करे तो कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जिनको बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम उनको कंटिन्यू उनका हाथ पकड़कर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। आपको एक कदम बढ़ाने की जरूरत है जी। तो सर जैसे कि मेरी वाइफ है तो मैं तो इनके साथ था, मेरे एक बच्चे छोटी सी जी जी, तो इनके साथ था तो इनको लेके चलाया है ना जी जी जी। लेकिन अगर कोई महिलाएं गांव से बिलोंग करती हैं और वो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है, कुछ करने की सोची, तो वो इतना दूर कैसे आ सकती है, कैसे कपड़े मतलब कि अपने घर बैठे कर सकती है, कुछ इसके बारे में मतलब अगर वो यहाँ नहीं आना चाहती हाँ, है या किसी कारणवश छोटे बच्चे हाँ, हैं हाँ, या कुछ भी है तो नहीं आ सकती है, तो वो किस तो तरीके से मंगाए, ऐसा आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बहुत ये बहुत जायज क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है आपका सर। देखिए हम लोगों ने जो नंबर आपको प्रोवाइड करवाया है आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल, मैं स्क्रीन पे उस नंबर पे आप एक कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको जो आज अवेलेबल प्रोडक्ट होंगे ना उनकी फोटोज आपको भेजेंगी, उनमें से आप सेलेक्ट करके मंगवा सकते हैं। अच्छा, देखिए मैं हमेशा कहते आया हूँ अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो एक विजिट जरूर करें, लेकिन अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आप फोन पे भी मंगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया करें तो पूरी कोशिश कीजिए कि एक विजिट करें, यहाँ आके आप सब चीज देख के ले जाए, दोबारा फिर आप वहाँ बैठे मंगवाएंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। आने से थोड़ा अलग ही अनुभव होगा, हिम्मत बनती है, एक जो मोटिवेशन मिलता है आपको यहाँ की, आप इतने लोग इतने लोग बिजनेस कर लिए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो ये चीज है। तो आप एक विजिट करें, बाकी फिर भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हमारी टीम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच, जो हमारा डाउट था जी जी मैंने पूछ लिया। तो जैसे कि सर आपने बहुत अच्छा जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को जी, और बहुत अच्छा लगा हमें भी, काफी मोटिवेशन मिला। और क्या अगर मतलब आपने जुबान से तो बता दी कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं या फिर यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जो जो यहाँ मिलता है वो चीज दिखा सकते हैं अपने ऑडियंस को, या फिर देख सकते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कैसे मिलता है, क्वालिटी वगैरह? अच्छा, ऊपर देखिए, ऊपर आइटम वगैरह देखिए। हाँ, आइटम वगैरह बिल्कुल, क्यों नहीं सर, धन्यवाद आप मुझे कर रहे हैं, मेरे को करना चाहिए आपको धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया जो हम कर रहे हैं उसको आपके व्यूवर्स तक पहुंचाने का, तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका, ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। थैंक यू सो मच, आपका परिवार जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अभी वाइफ भी आप साथ लेके आए हैं, ऐसी तरीके से हंसी खिलखिलाहट और खुशियां आपके परिवार में बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। ऊपर चलने की बात है तो जरूर चलते हैं सर, मैं कोशिश करता हूँ किसी को भेजने की आपके साथ। बिल्कुल, कोई अगर और मेरे पास भी समय रहता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ चलूं। बिल्कुल सर, ऊपर बताऊं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप इसी वीडियो में कंटिन्यू दिखाना चाहते हैं? तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं ऊपर, क्या क्या मिलता है, कैसे क्वालिटी है और कैसे आप लोग क्या क्या मंगवा सकते हैं यहाँ से, वो चीज देखने जा रहे हैं, और वो वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा जिसमें आप सबको पूरा अजमेरा घुमाएंगे, हम दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या यहाँ वैरायटी है और कौन कौन से कपड़ा अवेलेबल और क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे, सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा। तो आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजिए। इस ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार नमस्कार।